नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। डॉक्टर भरत पटेल जेडीयू प्रत्याशी ने सर्व समाज स्वाभिमान जन चेतना दांडी यात्रा निकाली बीसलपुर से पीलीभीत तक, जिसमें भारी मात्रा में बीसलपुर के रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोर जोर से स्वागत किया। वहीं से डॉक्टर भरत पटेल ने अपना रोड शो बीसलपुर से नारायणपुर तक किया। नारायणपुर में कार्यकर्ताओं सहित रुके तथा डॉक्टर भरत पटेल जी ने कहा कि मैं सांसद खुद बनने नहीं आया हूं, मैं यहां की जनता को सांसद बनाने आया हूं। मैं उन किसानों के लिए लड़ने आया हूं जो यहां सांसद कहती है कि मैंने आप लोगों को कई बार मना किया कि गन्ना क्यों बोते हो। पटेल जी ने कहा कि माननीय बीएम सिंह जी ने 30 साल की जीत हासिल की है, आज का पूरा रोड शो उन्हीं को समर्पित करता हूँ। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो बीएम सिंह जी ने किया है वो आज तक हिंदुस्तान के राजनेता नहीं कर पाए, ऐसा भरत पटेल जी ने कहा। उसके बाद उन्होंने बताया, जब किसान अपना गन्ना डाल देता है और उसका पैसा 2 साल के बाद दिया जाता है और किसानों को 2 साल का ब्याज नहीं मिल पाता, माननीय बीएम सिंह जी ने यह लड़ाई लड़ी और 2 साल का ब्याज दिलवाने का काम किया। और आपको बता दें, यह लड़ाई डॉक्टर भरत पटेल की नहीं है, यह लड़ाई है गरीबों की, उन युवाओं की जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं। आपको बता दें, लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर भरत पटेल ने पूरी यात्रा अपनी पैदल करी है। मतदान को मात्र 6 दिन बाकी है, ऐसे में आप अपने को इस चुनाव में कहां खड़ा देखते हैं? मैं इस चुनाव में डॉक्टर भरत पटेल पीलीभीत की जनता को सांसद बनाने आया है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं उन किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूं, जिसको यहां के सांसद यह कहती हैं कि मैंने तुमसे 50 बार मना किया है कि गन्ना क्यों बोते हो, गन्ना काहे के लिए बोते हो। मैं उनकी लड़ाई लड़ने आया हूँ। और 30 साल से माननीय बीएम सिंह ने जो जीत हासिल की है, आज का ये रोड शो माननीय बीएम सिंह को समर्थित है कि उन्होंने जो हिंदुस्तान के राजनेता नहीं कर पाए, वो बीएम सिंह ने, जब किसान अपना गन्ना डाल देता है और 2 साल बाद उसे पैसा दिया जाता है और उस 2 साल का उसको ब्याज नहीं मिलता, ये लड़ाई किस माननीय बीएम सिंह ने 30 साल लड़ी। और इस लड़ाई के बाद माननीय बीएम सिंह ने ब्याज दिलवाने का जो काम किया है, मैं इस धरती से उनको नमन भेजता हूँ। ये उस हर गरीब की लड़ाई है जो पिछले 30 साल तक मेनका जी यहाँ सांसद रही, उनके बेटे यहाँ सांसद रहे, वो बहुत छोटे से बच्चे को लेके आई थी। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के भी लाखों बच्चे बड़े हुए, अगर वरुण गांधी बड़े हुए तो इस पीलीभीत जिले के भी लाखों युवा बड़े हुए, चाहे वो किसी भी समाज के थे। सर्व समाज का लूटा गया है, एक षड्यंत्र के तहत लूटा गया, ये लड़ाई उनके लिए मैं लड़ने आया हूँ। उस हर गरीब की लड़ाई लड़ने आया हूँ। सबसे ज्यादा वोट गरीबों के पास है, झोपड़ियों वालों के पास है। मैं हर उस व्यक्ति से अपील करता हूं कि चाहे आप झोपड़ियों में रह रहे हो, चाहे आप जूते गाँट रहे हो, चाहे आप ठेली लगा रहे हो, चाहे आप रिक्शा खींच रहे हो, चाहे आप ई रिक्शा चला रहे हो, हर उस गरीब की लड़ाई लड़ने आया हूं। और मैं इस यहां की जनता से अपील करता हूं, ये लड़ाई पिछले 30 सालों से जो आपका शोषण हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा, सर्व समाज का शोषण हुआ है। ये लड़ाई डॉक्टर भरत पटेल की नहीं है, डॉक्टर भरत पटेल तो पीलीभीत की युवाओं की रोज लड़ाई लड़ने आया है, पीलीभीत की उस जनता की लड़ाई लड़ने आया है जिसको 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये वोट है, मैं सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वोट है जिसके बदले में आपको सब कुछ मिलता है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ करेगा। झोपड़ी में रहने वाले को भी एक वोट देने का अधिकार दिया गया था और महलों में रहने वाले वरुण गांधी और मेनका गांधी को भी सिर्फ एक वोट देने का अधिकार दिया गया था। चुनाव में आप अपने सामने किसको प्रबल विरोधी मानते हैं? मेरे सामने कोई नहीं है, जिसके पीछे 24 लाख में आप समझ सकते हैं कि छोटी झोपड़ियों में रहने वाला सबसे ज्यादा वोटर है, मझोले
मकानों में रहने वाला सबसे ज्यादा वोटर है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई 30 साल से इस जनता का जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ है, और आज पीलीभीत की जनता उस शोषण से मुक्ति चाहती है। पीलीभीत का चुनाव किस मुद्दे पर आधारित है, और क्या चुनाव के दौरान लोगों की समस्या सामने आई थी? बहुत सारी समस्याएं, जहां से गुस्सा हूं मैं घुटागंज से आता हूं, रसे खानपुर की सड़कें पता ही नहीं चल रहा था कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, ये हाल कर दिया गया था। मैं तो सवाल करता हूं हर उस नेतृत्व करने वाले से जिन्होंने चाहे यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा, चाहे पीलीभीत का लोकसभा का चुनाव लड़ा, केवल एक बीएम सिंह ऐसा नेतृत्व मुझे देखने को मिला था जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, उस किसान की लड़ाई लड़ी, जो दिन में इस किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा भगवान है। आज अभी ऐठापुर में जल गया बहुत सारा, 300 एकड़ गेहूं की फसल नष्ट हुई है। मैंने उनके पास संदेश भिजवाया और माननीय बीएम सिंह वहां गए भी थे। मैं बीएम सिंह को भी पीलीभीत की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से नमन भेजता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई में जनता का साथ दिया, और मैं कदम से कदम मिलाकर चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे रिक्शा खींचने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, पान के खोके वाला हो, टायर का पंचर लगाने वाला हो, मोटरसाइकिल का मिस्त्री हो, टायर का सही करने वाला हो, और आपका जो खड़खड़ा चलाता है, जो तांगा चलाता है, हर उस गरीब की लड़ाई लड़ने आया हूँ। डॉक्टर भरत पटेल जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव है। मैं अपने नीतीश को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ की सारी ताकतें इकट्ठी हो गई थी लेकिन मेरा सिंबल कोई नहीं रोक पाया। मैं यहाँ से माननीय नीतीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भेजना चाहता हूँ, क्योंकि पीलीभीत में षड्यंत्र के तहत राजनीति होती रही है, जो मजबूत आदमी आया उसको सब कुछ गड़बड़ करवा दिया जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पीलीभीत की जनता को भी देना चाहता हूँ कि जो आज मेरे साथ चलने को तैयार हुई है, और मैं जीवन भर आपको भरोसा दिलाता हूँ, डॉक्टर भरत पटेल इस क्षेत्र को छोड़ने नहीं आया। मैं मझगमा का निवासी हूँ, मझगमा का रहने वाला हूँ, आपका निवासी बीसलपुर विधानसभा का एकमात्र कैंडिडेट हूँ, और बीसलपुर की जनता अगर खड़ी हो जाए केवल तो बीसलपुर की जनता ही मुझे सांसद में भेज देगी। और मैंने यहाँ की आवाम से कहा है, कि मैं इस बार पीलीभीत की जनता को सांसद बनाना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में एक सवाल छोड़ के आगे बढ़ूंगा, बताइए अगर मैं सांसद बनूं और इसके बाद सांसद बनने के बाद पूरी आवाम को एक तरफ बुलाऊं पीलीभीत में, और पीलीभीत में डीएम और एसपी बैठे हों और उनसे कह दें ये आवाम बैठी है, और डीएम और एसपी साहब सुन लो, जिस दिन सांसद बनने के बाद मेरी आवाम आपके पास काम कराने आएगी तो समझ लेना डॉक्टर भरत पटेल काम कराने आया है। आपका शोषण बंद हो जाएगा, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं पहले कह दूंगा शासन प्रशासन से कि अगर मेरी जनता आती है, इसका मतलब समझ लो कि डॉक्टर भरत पटेल आया है, दुनिया का कोई ताकत आपका शोषण नहीं कर सकती। गठबंधन महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का वर्तमान समय में विरोध है, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? मैंने आपसे कहा मैं गरीबों की लड़ाई लड़ने निकला हूँ, और 90% नहीं 98% पीलीभीत की जनता गरीब है। मुझे बड़ी तकलीफ है, आज भी पीलीभीत में कम से कम 2 लाख लोग ऐसे हैं जो आखिरी रात को अपनी माँ आधी रोटी खिला के आधी पेट भूखे सो जाती, मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके घर में आज अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के घर में एक उनके माँ बाप हैं, एक वो मियाँ बीबी हो गए, 4 और 6 बच्चे हैं, 11 लोगों के लिए अगर वो रात को 600 रुपए की मजदूरी करके आते हैं तो 11 लोगों का पेट पूरा नहीं भर पाता। मैं तो उनकी लड़ाई लड़ने आया हूँ। नेता कौन कौन वादा पूरा कर रहा है बताइए ना, 30 सालों से यहाँ की जनता किस तरीके से तड़प रही है। सजा तो जनता देगी, मैं कौन हकदार होता हूँ किसी को सजा का फैसला करने वाला। ये गरीब जिस दिन उठ के खड़ा हो गया, ये किसान जिस दिन अपने आप को किसान मानकर मेरे पीछे खड़ा हो गया, आप देखिएगा कि ये जीत गरीबों की जीत होगी, डॉक्टर भरत पटेल की कोई जीत नहीं होगी, ये उस हर गरीब की जीत होगी जो पिछले 30 सालों से मैंने पूछा पीलीभीत में जनता से, सही बताओ, मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, मैं तांगे वालों से हाथ मिलाता हूँ, ई रिक्शा वालों से हाथ मिलाता हूँ, पान के खोके वालों से हाथ मिलाता हूँ, और मैं उनको पंपलेट देता हूँ कि एक ऐसा सांसद बना लो जिससे आप हाथ मिला सको, जिसका कुर्ता फाड़ के आप। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहली बार कोई कैंडिडेट इस तरीके से मिल रहा है, वरना हम तो केवल गाड़ियों की धूल में उड़ते रहे, हम किनारे बैठे होते थे, काफला निकल जाता था और जो धूल उड़ती थी वो हमारे शरीर से चिपक जाती थी, हमने कभी कुछ नहीं देखा। ये होता रहा पिछले 30 सालों में। क्षेत्र आज मैं डांडी यात्रा निकाल रहा हूँ।
क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज मैंने ये जो सर्व समाज एवं किसान स्वाभिमान जन चेतना डांडी यात्रा निकाली है, ये हर उस व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई है जिनको पिछले 30 सालों में किसी न किसी बात पे धक्का दिया गया, हाथ चलाया गया है, उनको धोखा दिया गया है, उनको छल कपट किया गया है। उन सबको जगाने के लिए ये मैं यात्रा निकाल रहा हूँ कि यह पीलीभीत के निवासियों तैयार हो जाओ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए एक योद्धा आ गया है और ये लड़ाई में आप हमारा साथ दो। ऐसा हुआ कि पिछले टाइम में जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी तो उन्होंने कहा था विदेशी जाओ स्वदेशी लाओ, तो मैं भी यही नारा यहाँ से देना चाहता हूँ, विदेशी जाओ स्वदेशी अपनाओ। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध कि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।